केसरिया रंग के कपड़ों में लिपटे भगवान को देखकर ये तो साफ है कि ठंड सिर्फ हमें और आपको नहीं लगती, बल्कि कड़कड़ाती सर्दी से ऊपर वाला भी परेशान हो सकता है। कम से कम इंसान तो यही मानता है। भगवान को सर्दी ना लगे, इसलिए मंदिर के पुजारियों ने इसका भी प्रबंध किया है। मंदिर में भगवान को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाए गए हैं और कंबल की व्यवस्था की गई है। भगवान की प्रेरणा से ठंडी गर्मी बरसात का समयानुकूल मौसम बदलता है। भगवान के ही आदेश से सूर्य का उदय होता है, चंद्रमा का उदय होता है। हम लोग समय पर भावना अनुसार पूजन करते हैं। गर्म पानी से, अधिक ठंडी पड़ने पर गर्म पानी से भगवान का स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं और वस्त्र में समयानुसार परिवर्तन करते हैं। जैसे ठंडी है गर्म कपड़ा पहनाते हैं और सामान्य वस्त्र पोशाक धारण कराते हैं जब गर्मी हो, लेकिन ठंडी में रजाई है, कंबल है। अयोध्या में जहां इंसान ने भगवान का ख्याल रखते हुए उन्हें गर्म कपड़ों में लपेट रखा है, वहीं उसकी बनाई कलाकृति का भी भरपूर ख्याल रखा है। कानपुर के जू में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए भरपूर व्यवस्था की गई है। हीटर की मदद से इन्हें सर्द हवाओं से बचाने की कोशिशें जारी हैं। अब देखिए, जानवरों के हिसाब से अब ठंड ज़्यादा बढ़ी है। इसके पहले भी ठंड थी लेकिन वन्य जीवों के हिसाब से नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे प्रिकॉशंस जो भी हैं, जो भी तैयारियां हैं, वो हमने एडवांस में कर ली थी नवंबर में ही। और इस समय हम लोग जैसे अलाव जलवा रहे हैं और इसके अलावा जो खाने पीने में परिवर्तन है, गुड़ वगैरह, शहद वगैरह देना, मीट बढ़ा देना, उबले अंडे देना, ये सब। इसके अलावा हीटर हमने लगवा रखे हैं, ब्लोवर लगवा रखे हैं। शाम को जो हमारे पक्षी घर हैं विशेषकर, वहाँ पे हम चारों तरफ पन्निया से उसको ढकवा देते हैं, तिरपाल वगैरह से, ताकि हवा ना आए। तो इस प्रकार इंतजाम पूरे हैं, लेकिन ये कि आज जैसे ज़्यादा ठंड है तो हमारी कुछ एक हिरण प्रजाति, विशेषकर शंघाई हिरण जो है, उसको थोड़ा सा ठंड के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है, हम लोगों ने देखा है। तो उसमें यह है कि दिन में भी अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है। कहीं हीटर तो कहीं गर्म कपड़ों से सर्दी से बचने की कोशिशें जारी हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, अयोध्या।